तो टिहरी में बारिश होने से मौसम सुहावना बना हुआ है। यहां भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भी झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हुआ है। लोगों को बेसब्री से इस चीज का इंतजार था, लेकिन मानसून की दस्तक के साथ ही लोगों की परेशानियां भी बढ़ते हुए। मौसम विभाग ने 25 से जून से लेकर 30 जून तक उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था और मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है सच भी साबित हुई है और पहाड़ों में लगातार कल से तेज बारिश हो रही है, जिस कारण यहां पर मौसम सुहावना बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये टिहरी बांध की झील है और जो लगातार बारिश हुई है, बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है और जो आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो साफ दिख रही हैं और जिस कारण जो धुंध है वो पूरी तरह से खत्म हुई है। तो हम मान सकते हैं कि जिस तरह से बारिश होने से मौसम सुहावना हुआ है, जंगलों में लगातार आग लग रही थी वह आग भी बुझ गई, यानी मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी कि 25 से 30 जून तक मौसम पर बारिश होगी और वो सच भी साबित हुई है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। तो वहीं चमोली में मॉनसून सत्र शुरू होने के साथ ही स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन के सामने भी कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्र आपदा के दृष्टिकोण से बेहद ही संवेदनशील है, बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर साल जल भराव हो जाता है, जिसको लेकर प्रशासन और संबंधित विभाग के सामने मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन विभाग और जिम्मेदार अधिकारी इन मामलों को अनदेखा करते हैं, जिसका खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ता है। मानसून सत्र से पहले शासन और प्रशासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक होती है और दावे किए जाते हैं कि मानसून सत्र में पूरे तरह से वो तैयार हैं, लेकिन इस समय हम लोग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, जहां पे आप लोग देख सकते हैं कि एक ही बारिश से इतना बड़ा तालाब बीच सड़क पे नेशनल हाईवे पे बना हुआ है और यहां पे जो भी यात्री सफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालकर वो सफर कर रहे हैं। इससे पहले भी ये जो ये पानी का यहां पे जमावड़ा होता था, इससे बहुत बड़ा नुकसान, सड़क का एक पूरा जो हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बावजूद भी यहां पे प्रशासन चेतने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले हैं वो प्रशासन के दावों को खोखला साबित करती है। सुरेंद्र रावत, न्यूज़ स्टेट, समुद्र। और इस बीच बड़ी खबर आपको